मेरा नाम रणवीर कुमार हुआ, मेरे कोचिंग का नाम आरकेस कोचिंग जोन है जो गोपालपुर में संपा चक के बाजार के पास है। इस बार सर आपके कोचिंग से कितने बच्चे टॉप किए सर? इस बार लगभग 50+ स्टूडेंट्स फर्स्ट डिवीजन लाए हैं। और नॉर्मली मैं तो इंग्लिश ही पढ़ाता हूँ, इसमें 92 तीन चार बच्चे का है, 87 88 89 तीन चार बच्चे का है, 70 तो लगभग सर देखा जा रहा है कि हर साल किस तरह इस साल भी लड़कियां ही आगे टॉप कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? इसलिए कि लड़कियां जो उनको सरकार के द्वारा फैसिलिटी मिल रही है, लिबर्टी मिल रही है, फ्रीडम मिल रही है, तो लड़कियां भी अब पढ़ाई पर फोकस कर रही हैं कि उनको सेफ्टी मिल रहा है, सरकार की तरफ से फिनंशियल सपोर्ट मिल रहा है और स्कूल पर भी ध्यान दिया जा रहा है, तो लड़कियाँ धीरे धीरे पढ़ाई पर फोकस करके आगे बढ़ती जा रही हैं। इसी कारण से बिहार सरकार को क्या करना चाहेंगे सर शिक्षा को लेकर? शिक्षा प्रति को थोड़ा सुधार दें, ठीक है। बहुत सारे कंप्लेन आते हैं हमेशा कि गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स उपलब्ध नहीं है, कुछ फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, इसी कारण से प्राइवेट स्कूल की इनकम ज़्यादा बढ़ गई है, वहाँ बच्चे ज़्यादा मूव कर रहे हैं। तो मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि थोड़ा सा टीचर्स पर ध्यान दिया जाए और सिस्टम पर ध्यान दिया जाए। सर अपना कोचिंग का गौरव गौतम, इंटर में कितना मार्क्स आया टोटल? 429। सबसे ज़्यादा किस विषय में? मैथ 95 और इंग्लिश में 92। इसका श्रेय किसको देना चाहते हो? रणवीर सर को। इंग्लिश रणवीर सर, कौन से कोचिंग है? आरकेएस बुकिंग जोन। आरकेएस बुकिंग जोन, आगे क्या चीज़ का तैयारी करना है? बीपीएससी। ग्रेजुएशन में क्या चीज़ लेना है? हिंदी लिटरेचर। पापा क्या करते हैं? पापा किसान। किसान दादाजी नेवी से है। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम हिमांशु कुमार है, मैं पटना जिला से रहने वाला हूँ, मैं पटना जिला के गौरी चौक गाँव से पढ़ने आता हूँ संपाचक में। मेरा इंटर में कुल मार्क 381 नंबर है और सबसे ज़्यादा हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी में 94 नंबर और इंग्लिश में 86 नंबर है। और इसका पूरा श्रेय मैं रणवीर सर को देना चाहता हूँ, और सभी शिक्षक मदद किए थे लेकिन रणवीर सर को पूरा श्रेय देना चाहता हूँ। रणवीर सर को ज़्यादा श्रेय देना चाहता हूँ। आगे क्या चीज़ की तैयारी करना है? हम बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं। इंटर के बाद क्या सब्जेक्ट ले रहा है? क्या चीज़ के बाद बीए ऑनर्स करेंगे और बीपीएससी का तैयारी करेंगे। पापा क्या करते हैं? पापा किसान है। ठीक। मेरा नाम संध्या है, मैं पटना जिला की रहने वाली हूँ, पटना में बैरिया से आती हूँ। मेरा सबसे ज़्यादा मार्क्स अकाउंट और डीबीएसटी में है 83 और इंग्लिश में 71 है, जो कि मैं धन्यवाद रणवीर सर को कहना चाहूँगी क्योंकि ये आज के डेट में ये मार्क्स उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि नॉलेज इम्पॉर्टेंट है, जो कि रणवीर सर हम लोग को ये नॉलेज भरपूर नॉलेज दे चुके हैं। और मेरा टोटल मार्क्स 384 है। हर साल के भांति इस साल भी देखा जा रहा है कि लड़कियाँ ही टॉप कर रही है, क्या कहना चाहोगे इस पर? हाँ, क्योंकि लड़की लोग आगे निकल रही है अकॉर्डिंग टू बॉयज़, और मैं बीपीएससी करना चाहती हूँ और ये बीकॉम में कॉमर्स है मेरा अकाउंट, ऑनर्स पेपर अकाउंट। आगे क्या तैयारी करना है? बीपीएससी। पापा क्या करते हैं? माय फादर इज प्रॉपर्टी डीलर। बोलो पढ़ चुका। मेरा नाम रीभा कुमारी है, मैं पटना जिला की रहने वाली हूँ, मैं सिद्धतपुर से आती हूँ। मेरा इंटर का मार्क्स का बात किया जाए तो मैं 349 आया है, इंग्लिश में 26 आया है। इसका क्रेडिट रणवीर सर को देना चाहती हूँ। आगे क्या चीज़ का तैयारी करना है? बीपीएससी। ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट लेना है, क्या ऑनर्स?